नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्त, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि 20 फीट बाई 50 फीट में घर का यह नक्शा कैसे बनाएं। आप देख सकते हैं कि इस घर की टोटल लंबाई 20 फीट है, और यदि हम चौड़ाई की बात करें तो आप देख सकते हैं कि घर की चौड़ाई 50 फीट है, यानी कि 20 फीट बाई 50 फीट के प्लॉट पर यह घर बना हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि 20 फीट बाई 50 फीट के प्लॉट पर यह नक्शा आप कैसे बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम घर की डिजाइनिंग की बात कर लेते हैं, और उसके बाद हम आपको घर का प्लान भी दिखाएंगे। तो घर का यह डिजाइन बनाने के लिए आप देख सकते हैं कि घर के फ्रंट पर आपको एक बरामदा बनाना होगा, और बरामदे से सटा हुआ एक रूम रखना होगा। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि घर के फ्रंट पर एक बरामदा बना हुआ है, और इसी बरामदे से सटा हुआ एक रूम है। और बरामदा बनाते समय आप देख सकते हैं कि बरामदे के फ्रंट पर आपको दो कॉलम रखने होंगे। आप देख सकते हैं कि एक कॉलम यहाँ पे है और दूसरा कॉलम यहाँ पे है। और यदि हम इस कॉलम की हाइट की बात करें तो इस कॉलम का जो हाइट है वो 8 8 फीट है। 8 फीट कॉलम बनाने के बाद आप देख सकते हैं कॉलम के ऊपर कुछ इस तरीके से आपको आर्क डिजाइन बनानी होगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कॉलम बनाने के बाद यहीं से एक आर्क डिजाइन बना दी गई, जो कि दिखने में बहुत ही खूबसूरत दिख रही है। और इस डिजाइन को बनाना बहुत ही आसान है, कोई भी मिस्त्री आराम से इस डिजाइन को बना देगा। और इस आर्क डिजाइन को बनाने के बाद आप देख सकते हैं कि स्लैब बना दी गई। और स्लैब बनाते समय इस बात का ध्यान देना है कि बरामदे के सामने की जो स्लैब है उसको आपको आर्क में रखना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा गोलाकार स्लैब आपको दिख रही है, इसको हम आर्क मॉडल बोलते हैं। तो इसी तरीके से आपको भी बरामदे के सामने की जो स्लैब है वो आर्क में रखनी होगी। स्लैब के बाद आप देख सकते हैं कि स्लैब के ऊपर जो रेलिंग लगाई गई ये आयरन रेलिंग है, और इस आयरन रेलिंग को बनाना भी बहुत आसान है। कोई भी बिल्डर आराम से इस आयरन रेलिंग को बना देगा। और इस आयरन रेलिंग के यदि हम हाइट की बात करें तो आपको 3 फीट रखनी है। बरामदे के बाद यदि हम बगल वाले रूम के फ्रंट की डिजाइनिंग की बात करें तो आप देख सकते हैं कि फ्रंट पर एक विंडो दिया गया है, तो कुछ इस तरीके से आपको एक विंडो दे देना है। और विंडो के ऊपर आप देख सकते हैं कि एक सनसेट दिया गया है, और सनसेट के कॉर्नर पर पीसीसी की डिजाइन बनाई गई है, यानी कि मोल्डिंग बनाई गई है, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। आप अपने मिस्त्री को बता दीजिएगा कि विंडो के कॉर्नर पर हमें मोल्डिंग बनाना है। कोई भी मिस्त्री प्रेजेंट टाइम में आराम से कुछ इस तरीके की मोल्डिंग बना देगा। और इस रूम के सामने की जो स्लैब है आप देख सकते हैं कि आर्क में रखी गई है, यानी कि थोड़ी सी गोलाकार रखी गई है। तो कुछ इसी तरीके से आपको भी रूम के फ्रंट की जो स्लैब है वो आर्क में रख देना है। और स्लैब बनाने के बाद इस रेलिंग की बात करें तो आयरन रेलिंग है, और सेम टू सेम इसी तरीके से बनाई गई है। और इसके साथ साथ रूम बनाते समय आपको इस बात का ध्यान देना है कि आप बरामदे से थोड़ा पीछे हटकर रूम बनाएंगे। एग्जाम्पल की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहां से हमारा बरामदा शुरू हो रहा है, और बरामदे से 4 फीट 6 इंच पीछे हटकर रूम बनाया गया है। तो इस फ्रंट के पूरे डिजाइन की फुल इंफॉर्मेशन हमने आपसे शेयर कर दी। अब चलिए हम आपको घर के अंदर लिए चलते हैं और देखते हैं कि बाथरूम, किचन और इसके साथ साथ जितने भी रूम हैं उनका साइज क्या है। तो यहां से आप घर के अंदर प्रवेश करेंगे, तो घर के अंदर प्रवेश करते ही आपको एक बरामदा मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर बरामदे का साइज 9 फीट बाई 15 फीट 9 इंच है। 9 फीट यहां से लेकर यहां तक की दूरी, और 15 फीट 9 इंच यहां से लेकर यहां तक की दूरी है। और इसी बरामदे से सटा हुआ आप देख सकते हैं कि एक गेस्ट रूम है, और गेस्ट रूम में आने जाने के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डोर दिया गया है। यहीं से आप गेस्ट रूम के अंदर प्रवेश करेंगे। गेस्ट रूम में प्रवेश करने के बाद यदि हम गेस्ट रूम के साइज की बात करें तो 9 फीट 1 इंच बाई 10 फीट 11 इंच है। 9 फीट 1 इंच यहां से लेकर यहां तक की दूरी, और 10 फीट 11 इंच यहां से लेकर यहां तक की दूरी है। और गेस्ट रूम के बिल्कुल फ्रंट पे आप देख सकते हैं कि एक विंडो दी गई है। गेस्ट रूम के बाद आप देख सकते हैं कि बरामदे में एक मेन डोर दिया गया है। यहीं से आप घर के अंदर प्रवेश करेंगे। घर के आंगन में प्रवेश करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपको एक स्टेयर मिलेगी, यानी कि छत पर आने जाने के लिए सीढ़ी मिलेगी। यदि हम इसके साइज की बात करें तो 6 फीट बाई 8 फीट है। 6 फीट यहां से लेकर यहां तक की दूरी, और 8 फीट यहां से लेकर यहां तक की दूरी। आप देख सकते हैं कि आप यहां से छत पर चढ़ना स्टार्ट करेंगे, और इधर से होते हुए इस स्टेयर से छत पर चले आएंगे। और स्टेयर के ठीक सामने आप देख सकते हैं कि घर का बाथरूम है, और बाथरूम में आने जाने के लिए यहां पर डोर दिया गया है। यदि हम बाथरूम के साइज की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 5 फीट 8 इंच बाई 5 फीट 2 इंच है। 5 फीट 8 इंच यहां से लेकर यहां तक की दूरी, और 5 फीट 2 इंच यहां से लेकर यहां तक की दूरी है।
और इसी से सटा हुआ घर का किचन है। यदि हम किचन के साइज की बात करें तो आप देख सकते हैं। 9 फीट बाई 5 फीट 2 इंच है, 9 फीट यहां से लेकर यहां तक की दूरी और 5 फीट 2 इंच यहां से लेकर यहां तक की दूरी। और किचन में आने जाने के लिए आप देख सकते हैं कि यहां पर डोर दिया गया है। किचन बनाने के बाद आप देख सकते हैं कि किचन के सामने 12 फीट 11 इंच बाई 13 फीट 10 इंच का एक एरिया छोड़ दिया गया। यहाँ पर क्लाइंट की डिमांड थी कि किचन के ठीक सामने हमें एक कमरे भर का स्पेस रखना है, यानी कि खाली स्थान छोड़ना है। और यदि आप खाली स्थान नहीं छोड़ना चाहते तो यहाँ पर आराम से एक छोटा रूम बन जाएगा। और इसी के ठीक सामने आप देख सकते हैं कि लास्ट में 2 बेडरूम दिए गए हैं। यदि हम इन बेडरूम के साइज की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 9.5 फीट बाई 12 फीट है। आप देख सकते हैं कि यहां से लेकर यहां तक की दूरी 9.5 फीट है और यहां से लेकर यहां तक की दूरी 12 फीट है। और इसी बेडरूम से सटा हुआ सेम इसी साइज का एक दूसरा बेडरूम है, आप देख सकते हैं। और यदि हम इसके साइज की बात करें तो 9.5 फीट बाई 12 फीट है। आप देख सकते हैं कि यहां से लेकर यहां तक की दूरी 9.5 फीट है और यहां से लेकर यहां तक की दूरी 12 फीट है। सो हमने आपसे फुल इंफॉर्मेशन शेयर कर दी कि 20 फीट बाई 50 फीट में घर का यह नक्शा कैसे बनाना है। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।